हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज का वीडियो नंबर 25 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 80, 81 एंड 82। पजल नंबर 80 आपका बॉक्स बेस पजल है, पजल नंबर 81 आपका मिसलेनियस पजल है, और पजल नंबर 82 आपका पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 बॉक्सेज ए बी सी डी ई एफ जी एच आर प्लेस्ड वन एबव अनदर इन अ स्टैक, ठीक है। ऑल द बॉक्स आर डिफरेंट इन कलर, डैट इज रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, वाइट, ग्रे, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ओके दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डी एंड वायलेट कलर। डी और वायलेट के बीच में 3 है, 1 2 3। यहाँ तक हो गया। बॉक्स ई इज प्लेस्ड जस्ट बिलो वायलेट कलर, वॉयलेट कलर के जस्ट बिलो बॉक्स ई है। रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबव ग्रे कलर बॉक्स, ग्रे से जस्ट एबव रेड है। देखिए, ग्रे से जस्ट एबव रेड, ठीक है। व्हाइट कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबव ए, ए भी चीज ऑरेंज कलर, मतलब ये देखिए ए ऑरेंज कलर है, ऑरेंज को आर एन जी लिख दे रहा हूँ, ऑरेंज से जस्ट ऊपर व्हाइट कलर वाला है। तो यहाँ पे व्हाइट इसके जस्ट ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में एक बॉक्स है, और लिखा बॉक्स डी एंड बॉक्स ई इज नाइदर रेड नॉर ग्रे। डी और ई रेड नहीं है और ग्रे भी नहीं है। ठीक है, बॉक्स ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो ई, मतलब ई से फिर तो ई से ऊपर हो जाएगा ए, बोला है ना कि ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो ई, तो ई से नीचे नहीं तो ई से ऊपर ए है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 बॉक्स है। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ग्रीन, बी और ग्रीन के बीच में, सॉरी बी है, बी और ग्रीन के बीच में, बी और ग्रीन के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए, बॉक्स बेस्ड पजल में आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप नहीं रख सकते, पहले आपको कंडीशन को मर्ज करना होगा। ये देखिए, इसमें इससे हम लोग देखते हैं, एक इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, और इसके जस्ट नीचे ये अगर करते हैं तो 6 हो जाएगा, और बॉक्स टोटल 7 था, ठीक है। हम लोग देखिए, डी को अगर पहले हम लोग कंडीशन मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे हो गया, डी 3 छोड़ के वॉयलेट, 1 2 3 छोड़ के ये वाला वॉयलेट, ठीक है। अब वॉयलेट के जस्ट नीचे ई है, तो ये वाला इसके जस्ट नीचे ई हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो गया। अब देखिए, टोटल हम लोग का 6 पर्सन हो गया, 2 2 4 और 2 6, और डी 1 छोड़ के जी, डी को अगर यहाँ 1 छोड़ के जी कर देंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन बोला है कि टोटल 7 ही बॉक्स है, तो हम लोग डी के जस्ट ऊपर जी को नहीं रखेंगे, जी डी 1 छोड़ के जी नीचे यहाँ पे हो जाएगा,
तो जी यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये कंडी मतलब ये और ये तो हो गया, उसके बाद हम लोग ये वाला को देखते हैं, एफ तीन छोड़ के बी। देखिए अगर एफ को हम यहाँ पे रखते हैं तो एक दो तीन छोड़ के लिए बी की जगह नहीं है, और अगर हम एफ को यहाँ रखते हैं एक दो तीन छोड़ के बी के लिए जगह नहीं है, और अगर तो देखिए एक कंडीशन होगा कि एफ को हम एफ को अगर समझिए यहाँ पे रखते हैं, जैसे छः है टोटल एक और होना है, तो एफ को अगर हम यहाँ पे रखते हैं नीचे तो एक दो तीन छोड़ के बी के लिए जगह नहीं बच रहा है, और अगर देखिए एफ को हम ऊपर रख रहे हैं एफ एक दो तीन छोड़ के लिए बी के लिए यहाँ पे वैकेंट है, तो यहाँ पे बी बैठ सकता है बी। अब देखिए टोटल हमारा 7 बॉक्स हो गया है, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ यहाँ पे है टॉप वाले पे, उसके जस्ट नीचे डी है, डी एक छोड़ के जी है, जी के जस्ट नीचे बी है, बी के नीचे वाला जस्ट वॉयलेट है, और वॉयलेट के जस्ट नीचे वाला ई है। ये इतना हमारा हो गया। अब देखिए अब है ई से ऊपर ए है, तो ऊपर ए तो यहाँ पे भी ये देखिए ई से ऊपर बोला है ना, ए वाला कंडीशन देखिए, ई से ऊपर ए है, ई से ऊपर ए यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि बोला है ए ऑरेंज है, ए ऑरेंज कलर का, तो यहाँ तो वॉयलेट ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ए ऑरेंज के लिए यहीं पे जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज यहाँ पे हो गया, और ऑरेंज से जस्ट ऊपर वाइट है, ठीक है। ये देखिए ये भी कंडीशन हमारा हो गया। बी एक छोड़ के ग्रीन है, ठीक है, बी को अगर बी यहाँ पे है एक छोड़ के ऊपर तो ऑरेंज हो चुका है, तो नीचे बी एक छोड़ के ग्रीन तो यहीं पे होगा। ग्रीन यहाँ पे हो गया, और बोले ग्रीन ग्रे से जस्ट एवब रेड है। अब देखिए यही एक जगह है, दोनों दो जगह एक साथ, तो ग्रे यहाँ पे हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर रेड हो जाएगा। एक कलर हमारा बच गया, एक पर्सन बचा है, पर्सन है ए बी सी, तो ये हो जाएगा पर्सन, तो सी हो गया, और कलर हमारा एक बचा है ब्लू, तो ये कलर ब्लू यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। एफ डी ए जी बी सी ई, एफ डी ए जी बी सी ई, ब्लू वाइट ऑरेंज रेड, ब्लू वाइट ऑरेंज रेड, ग्रे वॉयलेट ग्रीन, ग्रे वॉयलेट ग्रीन, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये रहा आपका आज का दूसरा पजल, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 पर्सन डी ई एफ जी एच आई जे वर्किंग इन अ कंपनी एंड ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट लैपटॉप, डेट इज एच पी, डेल, एप्पल, एसर, लिनोवो, आसूस एंड सोनी, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग पर्सन का नेम मेंशन कर देते हैं, डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। अब बोला है एफ एच सोनी, एफ के पास सोनी लैपटॉप है, तो एफ सोनी, ठीक है। जी डज नॉट हैव एप्पल और लिनोवो, जी के पास एप्पल एप्पल और लिनोवो नहीं है, ठीक है। ई हैज आसूस, ई के पास आसूस लैपटॉप है, ठीक है। आई डज नॉट हैव डेल, आई के पास डेल नहीं है। एच हैज एसर, जे डज नॉट हैव लिनोवो, जे लिनोवो नहीं है। जे के पास लिनोवो नहीं है, डी नॉट हैव एचपी और लिनोवो, डी के पास एचपी और लिनोवो नहीं है, डी के पास एचपी भी नहीं है, लिनोवो भी नहीं है।
डी डज नॉट हैव एप्पल, डी के पास एप्पल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, लिनोवो जी में भी, जे में भी नहीं है, लिनोवो जी में भी नहीं है, लिनोवो डी में भी नहीं है, तो लिनोवो के लिए एक जगह बचा है आई, ये हो जाएगा लिनोवो। लिनोवो हो गया। और अब देखिए, इसके यहाँ पे एप्पल नहीं है, जी के पास एप्पल नहीं है, डी के पास एप्पल नहीं है, तो एप्पल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब एच पी इसके पास नहीं है, तो एच पी यहाँ पे हो जाएगा। और एक बच गया हमारा डेल, डेल बच गया, तो डेल यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। डी ई एफ जी एच आई जे, डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, डेल आसुस सोनी एच पी, डेल आसुस सोनी एच पी, एसर लिनोवो एप्पल, एसर लिनोवो एप्पल, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ट्वेल्व पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो, जी एच आई जे के एल आर सिटिंग इन रो वन एंड फेसिंग साउथ, एंड एम एन ओ ओ नहीं है, एम एन पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन रो टू एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, सच दैट पीपल सिटिंग इन रो वन आर सिटिंग अपोजिट टू द पीपल सिटिंग इन रो टू, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। थ्री पीपल सिट बिटवीन जी और एल। कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग ये मेंशन कर दे रहे हैं कि कौन से पर्सन किस रो में बैठा है। तो आपका ऊपर वाले रो में बैठा था जी एच आई जे के एल, जी एच आई जे के और एल, और नीचे वाले में बैठा था एम एन पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर और एस, और ये सब नॉर्थ फेस कर रहा था, ऊपर ये सब साउथ फेस कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। थ्री पीपल सीट बिटवीन जी एंड एल, जी और एल के बीच में तीन पर्सन बैठा है। वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड द वन हु फेसेज जी, जी को जो फेस कर रहा है, जी को जो फेस कर रहा है, और आर के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो आर देखे इस पर्सन से, एक छोड़ के आर इधर भी हो सकता है, एक छोड़ के आर इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ये जस्ट मैंने लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर कोई साइड भी हो सकता है इस पर्सन से। पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है। नो वन सीट बिटवीन एम एंड द वन हु फेसेज जी, जी को जो फेस कर रहा है उसके जस्ट बगल में एम बैठा हुआ है। ठीक है, वन पर्सन सीट बिटवीन द वन हु फेसेज एम एंड एच, जो एम को फेस कर रहा है और एच के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। एच हु डज नॉट सीट एट एंड ऑफ द रो, तो एच एंड पे नहीं बैठा है। एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेज आई, आई को जो फेस कर रहा है उसके उसके थर्ड राइट में बैठा है ना, एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेज आई, सेकेंड थर्ड में एन। ठीक है, क्यू डज नॉट फेस जी, क्यू जी को फेस नहीं कर रहा है, और जे डज नॉट फेस आर, जे आर को फेस नहीं, जे आर को फेस नहीं कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस कंडीशन के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। देखिए एक पॉसिबिलिटी में हम लोग जी को यहाँ पे रखते हैं। जी को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, जी को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए जी, अगर जी को हम यहाँ पे रखते हैं, उसके जस्ट सामने वाला जो पर्सन है उसके एक छोड़ के आर बैठा हुआ है। जी को अगर हम यहाँ रखते हैं और सामने पर्सन ये हुआ और एक छोड़ के आर यहाँ पे हुआ, ठीक है, आर अगर यहाँ पे हुआ और उसके बाद देखिए आर के थर्ड लेफ्ट में पी है, तो आर अगर यहाँ पे रखे तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट के लिए तो जगह ही नहीं रहेगा, तो इसलिए जी को हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं।
जी को मिनिमम हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा। जी हम यहाँ पे अगर लेते हैं, जी के जो सामने बैठा है उसके एक छोड़ के आर है, एक छोड़ के आर इधर तो जगह है नहीं, इसलिए एक छोड़ के आर यहाँ पे हो जाएगा, और आर के थर्ड लेफ्ट में पी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जी तीन छोड़ के एल है, जी एक दो तीन छोड़ के एल यहाँ पे हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में आप देखिए कि जी को हम लोग यहाँ पे रखना होगा, जी अगर हम यहाँ पे रखते हैं और तीन छोड़ के एल, एक दो तीन छोड़ के एल यहाँ पे हो जाएगा, और जी के जो सामने बैठा है उसके एक छोड़ के आर है, तो एक छोड़ के आर यहाँ पे हो जाएगा, और आर के थर्ड लेफ्ट में पी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में पी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है जी के जो सामने बैठा है उसके जस्ट बगल में एम है, तो जी यहाँ पे बैठा हुआ है, जी के सामने जो बैठा है उसके जस्ट बगल में, इस साइड में तो कोई है ही नहीं, इस साइड में एम यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में देखिए, जी के जस्ट सामने जो बैठा है उसके जस्ट बगल में एम हो जाएगा, तो जी के सामने ये बैठा है, इसके जस्ट बगल में एम, इस साइड में तो पी बैठा हुआ है, तो इस साइड में ही एम को बैठाना होगा, एम यहाँ पे हो गया। अब देखिए, बोला है एम को जो फेस कर रहा है उसके एक छोड़ के एच बैठा है, एम को देखिए ये पर्सन फेस कर रहा है, एक छोड़ के एच, ए इस वाले में देखिए एच यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है, एम के सामने ये बैठा है, एक छोड़ के एच यहाँ भी, एक छोड़ के एच यहाँ भी, लेकिन हम लोग एच को यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोला है एच इंड पे नहीं है, तो इसलिए एच को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। और इस वाले में देखिए एम को जो फेस कर रहा है उसके एक छोड़ के एच है, इस साइड में तो एच के लिए जगह ही नहीं है, तो इस साइड में ही एच को बैठाएंगे, एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा हो गया, ये वाला भी कंडीशन हमारा हो गया, और ये दोनों कंडीशन भी हमारा हो गया। अब देखिए, आई जो है, आई को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट में एन बैठा हुआ है, अगर, और आई आपको पता है कि आई ऊपर वाला रो में बैठा हुआ है, तो आई को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, उस आई को फेस पी करेगा, पी के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट पे एन यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ आर ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर आई को हम यहाँ बैठाते हैं तो आई के सामने आर हो जाएगा, आर के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट के लिए जगह नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इस पॉसिबिलिटी में ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, आई को हम अगर यहाँ पे बैठाते हैं, आई के सामने पी हो जाएगा, पी के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एन बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आई को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते, आई को हम यहाँ पे बैठाएंगे, आई के सामने एम हो गया, एम के थर्ड राइट में एन, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एन यहाँ पे, आई को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, आई के सामने एम हो गया, एम के थर्ड राइट में एन है, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट में एन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, क्यू के सामने जी नहीं है, अब देखिए जी यहाँ पे है, जी के सामने क्यू नहीं है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और आर के सामने जे नहीं है, आर यहाँ है तो जे यहाँ पे नहीं होगा, तो जे यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर कर, ऊपर में एक पर्सन बचा है, कौन, जी एच आई जे के बचा हुआ है, तो के यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले कंडीशन में बचा है एम एन पी क्यू आर एस, एस यहाँ पे बचा है, तो यस यहाँ पे हो गया। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। जे जी आई के एच एल, जे जी आई के एच एल, पी एस एम आर क्यू एन, पी एस एम आर क्यू एन, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ आज का हमारा तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया है तो वापस से वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।